दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से काम करवाते हैं। ये मैंने मेरे फेवरेट बुक है रिच डैड पुअर डैड वहाँ पे मैंने पढ़ा था, वो पीछे के लिए रखा भी होगा। जब मैं ये बुक पढ़ा था तब मैं काम करता था पैसों के लिए, बट मैंने वहाँ से सीखा कि पैसों से कैसे काम करवाया जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे काम मैंने पकड़ा ना, कुछ काम ऐसा करता हूँ कि मैं सोए भी रहता हूँ तो भी वो काम चलते रहता है और वहाँ से पैसों की कमाई होती रहती है। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच पांच नहीं सात ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप भी जब सोए रहो तो भी आपकी अर्निंग होती रहे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, सात वर्किंग वे बताऊंगा, कोई झूठ नहीं कुछ नहीं, मैंने खुद किया है, प्रूवन है, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाय द वे ये जो चैनल है डीजी 2.0 यहाँ पे वीडियोस बहुत ज्यादा कम आती है, ये छोड़ के मेरा दूसरा चैनल डीजी प्रकाश वहाँ पे थोड़े वीडियोस आते हैं बिजनेस के ऊपर, बट इस चैनल को मैंने बनाया है मदद करने के लिए विदाउट कोई प्रॉफिट जनरेट किए। तो ये वीडियो दिल से बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, एडिटिंग सारी चीज़ें डिफरेंट है, थोड़ा कम ही रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा लगे कि 1-to-1 हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको सात तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला है अफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट है जैसे कि कुछ वेबसाइट का नाम आप भी जानते हो, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, मिंत्रा हो गया, इनका एक अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलता है। जब आप अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में जाओगे तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक को आप जब मल्टीपल जगह शेयर करोगे और उस लिंक के अंदर कोई क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो मान के चलो 1000 का प्रोडक्ट है तो उसका 5% कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं खुद करता हूँ, मतलब अभी तो नहीं करता, पहले करता था, अर्निंग अभी भी होती है। मैंने जैसा बोला कि सोए रहो और पैसा आता है तो मैं उस चीज़ में काम नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैंने करके रख दिया तो उससे पैसा आ रहा है, ठीक है। तो पिछला जो साल था 2023 तब करीब करीब 90,000 रुपये मैंने अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमाया था, मैं आपको स्क्रीन में एक बार दिखा भी दूंगा वो चीज़, है ना। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा तरीका है जहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखो और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ से कमा सकते हो, ठीक है। अगर उसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप डीजी प्रकाश वाले चैनल में जाके देख सकते हो या फिर यूट्यूब में जाके किसी के चैनल में देख सकते हो, है ना। मैं पूरी चीज़ यहाँ पे नहीं सिखा सकता क्योंकि अगर मैं सिखाने बैठूंगा 3-4 घंटा लगेगा एक टॉपिक में और उतनी लंबी तो ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो किसी भी चैनल में जाके देख लेने, आप सिर्फ टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक में अगर आप इंटरेस्टेड हो देन उसके ऊपर आप रिसर्च करना तो डेफिनेटली सीखने के बाद आप उससे पैसा कमा पाओगे। या फिर आप चाहोगे कि यार मेरे से सीखना तो नीचे कॉमेंट करना, अगर मुझे लगेगा कि कॉमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं बनाऊंगा तो उससे किसी की प्रॉफिट होगी तो डेफिनेटली मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अफिलिएट मार्केटिंग तो ये तो आपको बहुत सिंपल सा बता दिया कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसा वेबसाइट है, ये छोड़ के ये तो कमीशन कम देते हैं, 5%, 2%, 4% देते हैं, बट ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो 60% तक का कमीशन देते हैं। जैसे होस्टिंगर एक वेबसाइट है ना, होस्टिंगर का अगर आप प्रमोशन करोगे, मान के चलो 1000 का डोमेन होस्टिंग वो बेचता है तो 1000 का डोमेन आपके लिंक के थ्रू किसी ने बाय किया तो आपको कमीशन मिलेगा 60%, यानी करीब करीब 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगले साल अगर रिन्यू करेगा तो उसका भी कमीशन आपको मिलेगा, जिंदगी भर वो अगर रिन्यू करता है तो जिंदगी भर आपको उसका पैसा मिलेगा, एक बार बेचोगे कमाओगे जिंदगी भर, ठीक है। तो इसको जब प्रमोट करते हैं, जब ये प्रमोशन चलते रहता है ना, आप सोए रहते हो, आप एक बार प्रमोट कर दिए वो ऑनलाइन प्रमोशन ऑटोमेटिक होते रहता है, जैसे एड्स वगैरह रन कर दिए तो ऑटोमेटिक एड्स रन हो रहा है ना, आप सोए रहोगे फिर भी लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंचते रहेगा, लोग क्लिक करके अपना प्रोडक्ट बाय करते रहेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन के तरीके सीखने अगर वो कर सकते हो तो सोए सोए पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया, मतलब पहला जो काम है ये हो गया। सेकंड है ब्लॉग। अब ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि हम गूगल में जाते हैं जाके सर्च करते हैं कि बेस्ट ट्रिप नियर मी या फिर बेस्ट ट्रेवल प्लेस इन इंडिया, तो देखोगे वहाँ पे बहुत सारा आपको वेबसाइट दिखेगा, वेबसाइट के अंदर आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे गूगल का एड्स चल रहा है, तो जो एड्स चल रहा है ना तो उसमें गूगल उस ब्लॉग बनाने वाले पर्सन को पैसा देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉगिंग, जो कि एडसेंस के थ्रू, एडसेंस एक प्रोग्राम है जो कि गूगल का खुद का है, उसके थ्रू वेबसाइट बनाने वाले को पैसा मिलता है, ठीक है। ब्लॉगिंग में बहुत साल पहले करता था, अभी मैं नहीं करता, मेरा ऐसा कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट अभी है भी नहीं क्योंकि देखो मन नहीं है, सीधी सी बात है, अभी ब्लॉगिंग का मेरा मन नहीं है, अभी यूट्यूब का थोड़ा सा मन है, थोड़ा स्टोरी टेलिंग का मन है, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग बंद कर दिया, बट स्टार्टिंग में करता था। मैंने ब्लॉगिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, जो सच है वो सच है, स्टार्टिंग अपनी जर्नी मैंने ब्लॉगिंग से किया था बट उतना पैसा मैंने कमाया भी नहीं और मेरा उतना इंटरेस्ट गया भी नहीं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्लॉगिंग के थ्रू दिन के $200-300 तक कमा रहे हैं। मेरे जानकार में एक बंदा है, उसका मैंने जब लास्ट टाइम देखा था करीब ना $300 था, $300 वो एक दिन में कमाया था, है ना, $3,000-4,000 वो कमा लेता महीने में, जो अप्रोक्स है पैसा वो कमा लेता है ब्लॉगिंग के थ्रू, एक ही वेबसाइट के थ्रू, है ना। तो ब्लॉगिंग एक अच्छा करियर है, वहाँ से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। थर्ड नंबर पे है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है, देखो डिजिटल मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे आप जाओगे learnwithprakash.com में तो देखो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, एक हो गया कोर्स, अगर आप कोर्स बनाते हो तो वो डिजिटल प्रोडक्ट होगा कि एक बार आप प्रोडक्ट बना दिए और उसके बाद वो लोग लेते रहेंगे, आपको बस एक बार बनाना है लेकिन वो लाइफ टाइम बिकते रहेगा, मतलब 5-6 साल तो बिकेगा वो। छोड़ के बहुत सारे PDF वगैरह बना के बेच सकते हो, है ना, जैसे PDF बुक्स हो गया, इसके ऊपर मेरी ना एक बहुत अच्छी वीडियो है,
जैसे आप गूगल में भी जाओगे, गूगल नहीं यूट्यूब में भी जाके सर्च करोगे डिजिटल प्रोडक्ट्स डीजे प्रकाश, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बना के पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इसको ये भी वैसे ही प्रोडक्ट है कि एक बार आप बना दिए, जैसे कि मान के चलो आप एक चप्पल बनाए, ठीक है, चप्पल बना के आपने किसी को सेल किया, तो आपने तो बेच दिया, फिर दोबारा आपको बेचने के लिए दोबारा चप्पल बनाना पड़ेगा। बट डिजिटल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि बनाओगे एक बार और बेचोगे कई बार, ठीक है, आपको हर बार एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है। तो इसलिए डिजिटल प्रोडक्ट काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, एक बार मेहनत करके बनाना है, एक बार प्रमोट कर देना है, फिर वो प्रोडक्ट बिकते रहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत लॉन्ग वीडियो है मेरे पास, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया है, और समझा इसलिए क्योंकि तो मेरा खुद का प्रोडक्ट है ना, मेरे खुद के प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया वहाँ से, ठीक है। जैसे हमारे एक सॉफ्टवेयर भी है chatwoodwonder.com, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, तो वो भी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आता है ना, SaaS प्रोडक्ट के अंदर आता है हालांकि वो, बट वो भी मान के चलो डिजिटल प्रोडक्ट ही है कि एक बार मैंने बना दिया और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स को बेच सकता हूँ। फोर्थ है ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है, यानी ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट। अब देखो वेबसाइट क्यों जरूरी है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले ऑफलाइन को समझते हैं, मान के चलो आप एक दुकान में दुकान के ऑनर हो, आप वहाँ पे क्लोथ बेचते हो, तो आप दुकान जब तक खोलोगे तब तक ही ग्राहक आएगा, दुकान का शटर लग गया तो ग्राहक आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर आपका दुकान है तो करीब करीब 15 किलोमीटर उसके दूर से, मतलब उस डिस्टेंस के बाहर के लोग आपके स्टोर में नहीं आएंगे। लेकिन वही का अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो यानी ऑनलाइन दुकान बनाते हो, तो उससे क्या होगा, आप इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो। आप अगर रायपुर जैसे सिटी में बैठे हो तो भी आप कलकत्ता में प्रोडक्ट बेच सकते हो, है ना, मनाली में बेच सकते हो, दिल्ली बॉम्बे, आप कहीं भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन अगर एक ऑफलाइन दुकान आपके पास है तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो आप अगर स्टार्टिंग से अगर दुकान ऑनर हो, बहुत सारे लोग हैं जिसके पापा ये सब काम करते हैं, या फिर भाई बहन बहुत लोग हैं, फिर दोस्त यार है जिनका शॉप का दुकान है, तो क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो, अपने दोस्त के जो प्रोडक्ट है उसी का फोटो खींचो और उसी को अपलोड कर दो, अगर ऑर्डर आएगा तो दुकान से वो प्रोडक्ट लो, पार्सल करके आप भेज दो, ठीक है। बहुत ईजी बिजनेस है ये, है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना आज के टाइम में ईजी भी हो गया, 5-6 हज़ार में बन जाता है एक वेबसाइट, है ना। बहुत सारे ऐप है रेडी टू वेबसाइट रहता है, बस आपको अपना डोमेन नेम डालना है और वेबसाइट रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी ना कुछ वीडियो मेरे ख्याल से मेरे डीजी प्रकाश चैनल में बना हुआ है, आप एक बार सर्च कर लेना ई कॉमर्स स्पेस देके डीजी प्रकाश, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिर वेबसाइट स्पेस देके डीजी प्रकाश, तो आपको वहाँ पे शायद कुछ वीडियोस मिल जाएगा, क्योंकि देखो इतनी वीडियोस बने हैं ना, मुझे खुद याद नहीं आते कि कौन कौन से टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। अब देखो दिक्कत ये आया कि मैंने ना 6-7 टॉपिक लिख के रखा था मेरे स्क्रीन पे, बट 7 टॉपिक में 2 तो मैंने ब्लॉग ही लिख दिया था, ठीक है, 2 ब्लॉग लिख दिया, तो गड़बड़ ये हो गया कि मैं 7 टॉपिक बोला बट वीडियो 6 मतलब टॉपिक जो है वो 6 आने वाले, क्योंकि तो मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, सिर्फ मैं पॉइंट लिख के रखा था कि ये टॉपिक मेरे को कवर करना है, है ना, क्योंकि मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे जो बातें होती हैं दिल से होती है, ठीक है, तो स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता हूं, तो जो मैंने बोला था कि 7 टॉपिक आने वाला है तो 7 नहीं भी 6 आने वाला है, क्योंकि टॉपिक में मैंने ब्लॉग 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो सह ले रही है। तो 6 जो वे है वो है यूट्यूब। देखो यूट्यूब भी बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, ठीक है, यूट्यूब में वीडियोज डालो, वीडियोस चल गई तो वो लाइफ टाइम चलते रहता है, मतलब लाइफ टाइम यानी जब तक वो चलते रहेगा तब तक आपके पैसे की कमाई होती रहेगी। जैसे कि मेरा एक चैनल है, चैनल मेरे बहुत सारे हैं, उसमें से एक चैनल है पीके हिंदी कहानियां, वहाँ पे AI से वीडियोस वगैरह डालता है, अभी तो टीम ही डालते हैं वीडियो, है ना, तो वो वीडियो से भी काफी ज्यादा कमाई होती है कि एक बार वीडियो डाल दिया वो वीडियो चलती रहती है, ठीक है, वहाँ पे मैं 1 रुपए का मेहनत नहीं करता, पूरा AI से काम होता है। वो चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाके आप देखना उस चैनल को, AI से पूरी चीजें बनती है, इवन वो वीडियोस कैसे बनते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो मेरे इस चैनल में, मतलब पीके हिंदी स्टोरी में जो वीडियोस बनते हैं जहाँ से कमाई होती है, वो वीडियोस कैसे बनाता हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है इसी चैनल में है, ठीक है, अगर इसी चैनल में या फिर मेरे दूसरे चैनल पता नहीं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर वैसा चैनल बनाना है जैसे पीके हिंदी कहानियाँ तो देख लेना, उससे भी बहुत अच्छी कमाई होती है। एक बार चलो कमाई भी शो कर देता हूँ, जैसे कि लास्ट मंथ की बात करूँ, अभी कौन सा चल रहा है महीना, जनवरी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मार्च की मैं अमाउंट दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट मार्च में मेरे ख्याल से 24-25 हज़ार रुपये कमाई हुआ था, ठीक है, मेहनत 1 रुपए का नहीं गया, इन्वेस्टमेंट शायद 2-3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट था, तो उसमें 25 हज़ार रुपये बन गया, ठीक है, वो भी ऐसा ही है कि एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लो, है ना, महीने में एक दिन बैठो, बैठ के रिकॉर्ड करके सारे वीडियोस को शेड्यूल में डाल दो, होती रहती अर्निंग, है ना, तो ये एक अच्छा तरीका है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। 7th है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अब देखो ये जो है इसमें थोड़े धनराशि की जरूरत होगी, है ना, यहाँ पे देखो मैं ये नहीं बोला वीडियो में स्टार्टिंग से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस कैसे शुरू करें, ठीक है, ये टॉपिक ये है कुछ ऐसे बिजनेसेस कि आप सोए रहो तो भी पैसे की कमाई होगी, और मैं स्टार्टिंग से बोला कि यहाँ पे मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहेगा वो शो करूँगा। तो देखो जो रेंटिंग बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब आप एक ज़मीन खरीदे, वो घर बनाए, उसको किराए में डाल दिए, ठीक है, पैसा उसमें काफ़ी कमाएगा, है ना, रिकवर करने में आपको 10 साल लग जाएगा, लेकिन आपकी जो कमाई होगी वो 100-100 होगी, और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदा उसका रेट तो बढ़ते ही रहेगा,
इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब किराए विराए में पैसे कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट देखो कम आते हैं ठीक है, लेकिन सुखी से खा पाओगे ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मैंने वे बता दिया जहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से बिना अपना टाइम लगाए आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट में एक ना थम्स अप दे देना, दिल दे देना, हाय लिख देना, बाय लिख देना, जो आपका मन करे वो बोल देना, ताकि मुझसे कम से कम इतना समझ आए कि आप वीडियो को पूरा देखिए ठीक है। और वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा, कुछ टॉपिक आपको चाहिए, कुछ टॉपिक में वीडियोस चाहिए, मान के चलो अच्छा मैं क्या सोच रहा था, चलो आज थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। मेरा मन था, देखो मेरे को ना बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं बुक पढ़ता हूँ ना तो मेरे थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि थोड़े से बुक्स के बारे में हम बात करें ठीक है। क्योंकि देखो बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अगर बताऊंगा ना, कौन सा वर्ड आपको टच हो जाए, कौन सा वर्ड सुन के शायद वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, लाइफ चेंज हो जाए ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो बुक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, मतलब बुक से रिलेटेड उसके अंदर जो बातें होती है उससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए होगा तो नीचे आप कमेंट कर देना ठीक है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।